ये तो भाई बचते बचाते हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, ये देखिए यहाँ से हमारा एकेडमिक ब्लॉक शुरू होता है और ये जो ट्रैक है ये सीधा जाता है आगे एडमिन ब्लॉक की तरफ। कुछ पुरानी याद हमें अचानक से एक चीज़ नज़र आई कि अहमद जो है ना वो गए थे कराची कैडेट कॉलेज में स्पीच करने, उनकी फ़ोटो भी यहाँ लगी हुई, अजीम भाई की भी लगी हुई क्योंकि दोनों साथ गए थे। हेलो दोस्तों, तो फिर से वेलकम बैक है आप सब लोगों का एक और नए व्लॉग के साथ। तो भाई आज हम जो सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं वो क्यों हुए हैं, वो हम इसलिए हुए हैं क्योंकि अहमद भाई का प्रैक्टिकल है और हम जा रहे हैं कॉलेज। सही है, ठीक है, मैं अहमद भाई के साथ जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट डे होगा कॉलेज का, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन एक और प्रैक्टिकल भी है इसका दो तीन दिन बाद, तो एक तरीके से ये लास्ट डे होगा अहमद के कॉलेज का और मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने इंटर इसी कॉलेज से किए, तो चल के वहाँ के टीचर्स वगैरह से मिलेंगे और फैकल्टी मेम्बर से भी मिलेंगे और आपको वहाँ के सिंथेटिक व्यूज़ भी आपको वहाँ के जो कैमरे में कैप्चर करके दिखाएंगे कॉलेज हमारा दिखने में कैसा है। तो सुबह के 7:30 बज रहे और हम अभी निकलते हैं और फिर आगे के मामला आपके साथ शेयर करते हैं। A few moments later. फिर आपको वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। A few inches later. ये तो भाई हम लोग गेट से इंटर हो गए, मेरे पास जैसे कि दो मोबाइल थे, मोबाइल अंदर आना लेके आना अलाउ नहीं है ना, लेकिन हम तो शुरू से एक्सपर्ट रह चुके हैं क्यों भाई अदीम जी। भाई जी तो भाई मेटल डिटेक्टर से भी इन्होंने चेकिंग की फिर भी नहीं पकड़ पाया यार, ये हमारा टैलेंट है ना। अभी हम जा रहे हैं देखिए ट्रैक से, अभी एकेडमिक साइड पे जा रहे हैं, मोबाइल अलाउ नहीं है, छुप छुप के जितनी वीडियोस बनी बनाएंगे आपको वे लोगों में भी दिखाएंगे अहमद भाई। ऐसा ही ऐसा ही, ये देखिए ये हमारा हॉकी ग्राउंड है और ये ट्रैक के सामने जहाज चौक है, वो आपको नहीं दिखाया, घाट खड़े हुए थे वहाँ पे। अभी हम चल रहे हैं आगे और आगे के खूबसूरत मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, हमारा कॉलेज जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है तो अभी हम चल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से एक बिल्कुल हमारे हाँ हाँ क्यों नहीं यार, ये देखिए कितना खूबसूरत ट्रैक है, ये देखिए दोनों तरफ जो है दरख्त मौजूद हैं और देखिए चलें आगे चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई दिस इज़ दी बार्बर शॉप और ये जो आप सामने देख रहे हैं और ये जो है हमारा रावी हाउस है, चार हाउसेज हैं उनमें से एक है रावी हाउस है, ये हमारे सर का रूम होता था उस टाइम पे, और ये देखिए ये जी वाइट साहब का, और ये देखिए ये हॉल है और ये सामने जो है क्रिकेट ग्राउंड है। आगे चलते हैं छुप छुपा के, मोबाइल छुप छुपा के आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। ये तो भाई बचते बचाते हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, ये देखिए यहाँ से हमारा एकेडमिक ब्लॉक शुरू होता है और ये जो ट्रैक है ये सीधा जाता है आगे एडमिन ब्लॉक की तरफ, यहाँ से हम आए हैं और ये हमारी एकेडमी है। देखिए वो सामने जो है आपको स्टेज नज़र आ रहा है जहाँ पे हम असेंबली वगैरह होती थी हमारी, अभी अंदर चलते हैं, अंदर के मनाजर आपको कोशिश करते हैं दिखाएं, लेकिन ये खूबसूरती है हमारे कॉलेज की, ये देखिए माशाल्लाह। जी तो भाई हम एकेडमी के अंदर मौजूद हैं और ये देखिए ये हमारी लाइब्रेरी है और ये इस तरीके से हॉल जाता है और ये भी हम यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग आए हैं, ये देखिए ये बच्चे बच्चे चल के आ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारी जो है ये नज़र आती है अकेडमी, ये लाइब्रेरी है और यहाँ से हम अक्सर कभी कभी अकेडमी से निकलते थे, ये गेट थोड़ा सा डैमेज था और ये बंदा हमारा आ रहा है, ये हमारी सेकेंड ईयर क्लास थी कि कुछ इस तरीके से क्लासेस हैं यहाँ पे। तो भाई दिलशाद साहब क्या हाल है आपके? मज़े में, इसको आपने देखा होगा अहमद साहब लोगों में, तो अभी चलते हैं आगे थोड़े मनाजिर आपको दिखाते हैं। और ये मैट्रिक क्लास है, इस तरीके से मैट्रिक क्लास नज़र आती है और यहाँ से मैं आपको जो है परेड ग्राउंड का एक रिव्यू करा दूँ, ये हमारा परेड ग्राउंड कहलाता था, यहाँ पे हम परेड करते थे, ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए माशाल्लाह। सामने आपको जो हाउस नज़र आ रहा है ये मेहरान हाउस है जहाँ पे हम इंटर हम लोग यहाँ पर रहते थे, मेहरान हाउस ये है हमारा जो है स्टाफ रूम जिसको आप टीचर के स्टाफ रूम बोलते हैं और यहाँ से हमारी जो बहुत यादें वाबस्ता हैं जो, और ये मेल स्टाफ रूम, मेल टीचर स्टाफ रूम ये कुछ इस तरीके से है और
यहाँ पे हम कभी कभी आते जाते हैं टीचर को बुलाने कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है अभी आ जाओ यार, कब तक आप आराम करोगे क्यों भाई। सही है, सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारी मेन एंट्रेंस थी और ये हमारे 14 की तस्वीरें भी लगी हुई थी। ये कोसो साहब हैं जिनको आपने अक्सर लोगों में देखा। क्या हाल है भाई, खैरियत से? अमन आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? का शुक्र है यार। ये देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम आगे पानी वगैरह पीते थे। ये हमारा जो रोस्टर बोर्ड है जहाँ पे चीज़ें वगैरह लगती, तो यहाँ से कुछ व्यू जो मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से कुछ प्रेड ग्राउंड का व्यू है यार, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह से। देखिए कुछ पुरानी याद हमें अचानक से एक चीज़ नज़र आई कि अहमद जो है ना वो गए थे कराची क्रेडिट कॉलेज में स्पीच करने। उनकी फ़ोटो भी यहाँ लगी हुई, अजीम भाई की भी लगी हुई है क्योंकि दोनों साथ गए थे। ये देखिए अहमद की यहाँ लगी हुई है, मुखालफत पे इन्होंने स्पीच की थी, और ये अजीम भाई की भी यहाँ पे जो है लगी हुई है। और ये हाफिज़ साहब हैं जो हमारे कॉलेज में जमात वगैरह करवाते थे। तो ये सारे हमारे दोस्त यार यहाँ पे घूम रहे हैं, ये हमारे जूनियर्स हैं, और अभी हम चलते हैं और आगे के मनाज़िर भी आपको कुछ कुछ दिखाते हैं। जी तो भाई फाइनली अहमद का प्रैक्टिकल हो चुका है और ये भी हम ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ये परेड ग्राउंड जो हमारा है उसके बीच में ये है जो रेड कारपेट वाला एरिया जो आप बोल सकते हैं, जिसे चीफ गेस्ट जो है वो स्टेज तक जाता है। और अभी हम आगे चल रहे हैं, ये हमारे हाउसेज हैं, ये हमारी मेस है, ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये है ऑडिटोरियम, इसका भी आपको चल के दिखाते हैं। तो भाई दिस इज़ दी फोर हाउसेज, बहरान हाउस, बोलान हाउस, आगे खैबर हाउस है, उससे आगे जो है राबी हाउस है, और ये हमारा जो है मस्जिद होती थी जिसमें नमाज वगैरह पढ़ते थे आके। और ये हमारा जो है इंस्ट्रक्शन बोर्ड या आप जिसको भी बोल सकते हैं, कोई नई अनाउंसमेंट होती थी तो यहाँ पर आके वो पेज वगैरह लगाया जाता था। ये पानी पीने की जगह थी हमारी, और यही सामने जो है यहाँ पे जिम वगैरह है। दिस इज़ द मेस, ये हमारी मेस थी, और इसके अंदर भी चलते हैं आपको दिखाते हैं। इतना थोड़ा बहुत आगे अगर ये खुली हो तो अंदर चलेंगे। आई थिंक सो कि ये लॉक है, यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये है हमारी मेस, और यहाँ पे हम आके जो है यहाँ के उबली हुई दालें और ये चीज़ें वगैरह खाते थे। तो और यहाँ पे भाई ये टक शॉप वगैरह है हमारी। तो ये है ऊपर ऑडिटोरियम, यहाँ पे हम चल के आपको दिखाते हैं ऊपर के क्या मनाजिर हैं, और यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू भी आता है, वो व्यू भी आपको चल के दिखाते हैं ऊपर चल के। देखिए तो दिस इज द ऑडिटोरियम, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है। आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं चल के। यहाँ पे कभी कभी हम मूवी वगैरह देखते थे और इंजॉयमेंट की चीज़ें यहीं पे होती थी। ये जो है ऑफिस है, कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह होते थे यहाँ पे होते थे, वॉशरूम वगैरह। दिस इज़ दी हॉल, दी ऑडिटोरियम, और सच अ मैसिव ऑडिटोरियम। और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने यहाँ पे, कुछ इस तरीके से पाकिस्तान मैप और वर्ल्ड मैप भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी आएँ बाहर, तो बाहर चलें, खूबसूरत व्यू आपको यहाँ के दिखाऊँ मैं। ओए होए 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 यार, हमारे कॉलेज की जो आप ग्रीनरी चेक करें, ये देखिए, ओए होए क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर आए, ये देखिए, तो दिस इज़ दी ब्यूटीफुल सिंथेटिक व्यू ऑफ और कॉलेज। ये सामने बहरिया टाउन, और इस तरीके से कुछ ये नज़र आता है। अहमद और अजीम चले गए पार्किंग की तरफ, हम भी वहाँ चलते हैं, और वहाँ के चल के आपको जो है हम वहाँ के जो क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए, हाँ हाँ, ये जो गन यहाँ पे लगी हुई है, ये गन भी किसी ज़माने में यूज़ होती थी, पाक आर्मी इसको यूज़ करती थी, ये जो ज़मीन से ही हवाई जहाज़ों को जो निशाना बनाने के लिए ये यूज़ होती थी, उसके बाद ये यहाँ पे आ गई। और अभी हम चल रहे हैं आगे तक जाते हैं, आपको क्रिकेट ग्राउंड का भी थोड़ा बहुत वो दिखा देते हैं, और फुटबॉल ग्राउंड भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। ठीक है समरिया जी। तो भाई कभी कभी रेस्ट टाइम में जब हमें कोई ब्रेक वगैरह मिलती थी किसी टाइम में, तो हम यहाँ पे आके वॉलीबॉल खेलते थे। ये आपको कोर्ट नज़र आ रहा होगा, और ये है उसके सामने हमारा बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें हमने बहुत से मैचेस भी जीते हैं और हारे भी हैं। तो
ये मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ, बकाई डॉल्फिन स्पोर्ट क्लब, और ये है वो ग्राउंड। देखिए बहुत बड़े बड़े मैचेस भी यहाँ पे होते हैं। तो ये हमारे नेट्स हैं भाई, यहाँ पे हम आके जो हार्ड बॉल की प्रैक्टिस करते थे कभी कभी, और इसी के सामने हॉकी ग्राउंड जो हमने आपको दिखाया। और आगे चलेंगे तो आगे जहाज चौक के भी आपको करीब से व्यू करवाएंगे और फुटबॉल ग्राउंड भी दिखाएंगे। ये है जहाज चौक भाई, और आगे चलते हैं, ये स्विमिंग पूल आपको दिखाते हैं। अभी तो है खाली, लेकिन ये देखिए कुछ तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं, और ये इसी बैच के बच्चों की हैं, इसमें अहमद की भी तस्वीर होगी। और आगे चलते हैं, तो देखिए थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्विमिंग करते थे, इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी डेप्थ है वो है 18 फिट, और वहाँ आगे से जो है ये 4 फिट का है, और यहाँ पे ये है 18 फिट का। तो हम जो है गहरे में आके कभी कभी स्विमिंग करते थे इस तरीके से। स्विमिंग पूल हमारा भकाई का, और अभी चलते हैं फुटबॉल ग्राउंड आपको दिखाऊँ जी। तो भाई दिस इज़ दी मेन चौक ऑफ आवर कॉलेज, मीन्स के आप इसको चौरंगी कहें जो भी कहें, इसको हम जहाज चौक बोलते थे, और ये बहुत ही मशहूर है हमारे कॉलेज में जहाज चौक के नाम से। और ये देखिए, ये भी किसी ज़माने में जहाज वर्किंग में होता था, और ये है हमारे कॉलेज का मैप, और इसके बिल्कुल ही सामने ये आप देख सकते हैं फुटबॉल ग्राउंड, वो आपको सामने जो है नज़र आ रहे होंगे जो गोल के पोल्स होते हैं, और वो, और ये यहाँ पे आके हमारा जो मेन वॉलीबॉल ग्राउंड था वो यहाँ पे है। ये देखिए मेन वॉलीबॉल ग्राउंड, और इसी के आगे जो आपको फर्स्ट नज़र आ रहा है वो है बास्केटबॉल ग्राउंड। तो इस तरीके से कुछ है हमारा जहाज चौक। तो भाई ये बाहर जाने का रास्ता, सामने आपको गेट नज़र आ रहा होगा, और यार ये है झील। अब इसको बोलते झील है, अब आई डोंट नो कि ये झील है भी या फिर ये पानी इन्होंने खुद डाला है, लेकिन इसको झील बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए तालाब बोलिए, ये बतख कैसे यहाँ पे फ्लोटिंग कर रही हैं, और सामने छोटा सा इन्होंने ये डिज़ाइनिंग टाइप जो आप बोल सकते हैं वो बनाया हुआ है। और स्विमिंग पूल से जब पानी खाली करना होता है तो सारा पानी इधर डाल देते हैं। तो ये था कुछ व्यू, अभी चलते हैं बाहर की तरफ जी। तो भाई इट्स द एंड ऑफ द कॉलेज लाइफ, और मेरी तो पहले ही हो चुकी थी, अहमद भाई की भी आज कॉलेज लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अभी आगे के फेजेस हैं। तो अब हम अपने कॉलेज को गुड बाय कहते हैं यहीं से, और हम गाड़ी मारी खड़ी है, हम निकलते हैं यहीं से और चल के कहीं खाना वाना खाते हैं चल के। तो चलिए जी। तो भाई भूख बहुत लग रही थी, तो हम यहीं पे रुक गए और हाईवे पे ही, और तो अभी यहाँ खाना वगैरह मंगाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं, खाते वगैरह। क्या क्या ख्याल है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, अभी खाना मंगाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भाई ये खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुका है, और खाना शुरू करो ना। नहीं खाना शुरू करते हैं, आसिम भाई ने भी मैं ज्वाइन किया है, जिसको आपने फोर्थ ग्रेड वाले व्लॉग में देखा होगा। तो भाई अभी हम खाना खाते हैं। चलो भाई अभी मैं भी खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद मिलते हैं। भाई अभी जो है खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी जो है ना थोड़ी जान आई है, थोड़ी जो है ना एनर्जी मिली है, तो अभी मैंने कैमरा पकड़ा है, तो अभी चलते हैं कहीं। ठीक है देखते हैं, अगर घर का मूड बना तो घर, वरना कहीं और कोई तफरी हुई तो वो कर लेंगे फिर।